नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते। पिज़्ज़ा का सॉस बनाने के लिए 3 टमाटर लेंगे। टमाटर को स्लिट कर लेंगे और ब्लांच कर लेना है। अब ठंडा करके स्किन निकाल लेना है। टमाटर ठंडे हो चुके, अभी स्किन निकाल लेंगे। टमाटर काट के रखेंगे, फिर इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। आप एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें 4 कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेना है। अब इसमें 15 लहसुन की कलियां डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 4 कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेना है। आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से भून लेंगे। मसाला पककर तैयार है। आप ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके मिक्सर में पीस लेना है। ठंडा किया हुआ मसाला मिक्सर में डालेंगे, साथ में ब्लांच किए हुए टमाटर भी डालेंगे। इस मसाले का प्यूरे बना लेना है। इस तरह से प्यूरी तैयार कर लेंगे। इस प्यूरी को पका लेना है हल्का सा। प्यूरी को पैन में डाल देंगे। 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ बेजिल डालेंगे, 1 चम्मच ऑर्गेनो डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। 5 मिनट के लिए पका लेना है। पिज़्ज़ा का सॉस तैयार है, इसे ठंडा कर लेंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए बाउल में 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऑर्गेनो, स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लेंगे, तवे पे हल्का सा सेक लेना है। दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा का सॉस लगाएंगे। सॉस को अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप इसके ऊपर मैरिनेट की हुई सब्जियां डालेंगे।
ऊपर से और मोजरेला चीज़ डालेंगे। पिज़्ज़ा तैयार है बेक करने के लिए। पिज़्ज़ा को बेकिंग ट्रे में रख देंगे। ओवन को 230 डिग्री पे प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। ओवन प्रीहीट हो चुका है। पिज़्ज़ा के ट्रे अंदर रख देंगे। पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे आधे घंटे के लिए 230 डिग्री पे। आधे घंटे बाद पिज़्ज़ा तैयार है। पिज़्ज़ा ट्रे को ओवन से निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुके हैं। पिज़्ज़ा को प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। पिज़्ज़ा को काट लेंगे। पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।